हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडियन हेल्पर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। दोस्तों जी हाँ, थंबनेल में आपने सही देखा, ये बाबर के ऊपर फुल डिटेल वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो अगर आप SSC रेलवे BPSC UPSC किसी भी सेक्टर के स्टूडेंट है दोस्तों, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे बाहर बाबर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैंने इसमें जो है दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन को ऐड किया और पूरी की पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है। तो दोस्तों लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और अगर आपने एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो दोस्तों आपका पूरा का पूरा बाबर के ऊपर फुल्ली कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों। तो आप इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही ये बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियोस को अपलोड करें दोस्तों, तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। बाबर के ऊपर कॉन्सेप्ट देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि सबसे पहले जानते हैं कि मुगल थे कौन। दोस्तों हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो मुगल थे, ये मुगल आखिर थे कौन। तो दोस्तों आगे आपको पता चलेगा बाबर के माता पिता से कि मंगोल और तुर्की से मिलकर के बना था मुगल, और जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है बहादुर। ठीक है दोस्तों, तो मुगल का क्या अर्थ होता है, ये हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुगल का अर्थ जो होता है दोस्तों वो बहादुर होता है दोस्तों। तो ठीक है, मुगल थे कौन, मुगल कैसे बने थे, मंगोल प्लस तुर्की से मिलकर के बने थे दोस्तों। तो इस तरह से जो है आपका पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद जो है आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मैंने छोटे छोटे इसमें जानकारियां दिया कि बाबर का जन्म हुआ था दोस्तों 14 फरवरी 1483 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ, और बाबर का जो पूरा नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर दोस्तों। इसके बाद जो है यहाँ पर जानते हैं दोस्तों इसका जो है पिता का नाम क्या था। तो इसके पिता का नाम था दोस्तों उमर शेख मिर्जा। क्या था दोस्तों, उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर वंश के थे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं जाति प्रथा कि इस जाति के लोग इस जाति से विवाह करेंगे, तो उस तरह से नहीं, वो जो है तैमूर वंश का था उसका पिता। और माता जो थी, माता का नाम था दोस्तों कुतलुग निगार खानम, जो कि चंगेज खान के वंशज थी। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में दोस्तों एकदम ग्राफ बना करके समझते हैं, क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी में ग्राफ के थ्रू आंसर देना काफी इजी और अच्छा माना जाता है दोस्तों। तो देखिए, हमने यहाँ पर माता लिखा और हमने यहाँ पर पिता लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो माता जो थे वो चीन एवं मध्य एशिया के साइड में उस वे रहा करते थे। ठीक है, उनका जो था एरिया वो चीन एवं मध्य एशिया था, और पिता जो थे वो इराक, ईरान एवं तुर्की इधर के साइड में रहते थे। ठीक है, और इनकी माता जो थी वो चंगेज खां या मंगोल शासक जो थे चंगेज खां, उनका वंशज था, लेकिन इनके पिता तैमूर वंशीय थे। ठीक है, और उसके बाद जो है दोस्तों ये दोनों मिला करके जो है चतुराई तुर्क बना, और उसके बाद जो है बाबर का जन्म होता है दोस्तों। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि माता के तरफ से दोस्तों, माता के तरफ से जो है बाबर 14वां वंशज है, और पिता के तरफ से दोस्तों बाबर 5वां वंशज है। ठीक है, बाबर जो है दोस्तों वो पिता पक्ष के तरफ से 5वां वंशज, और मातृ पक्ष के तरफ से दोस्तों ये 14वां वंशज है। ठीक है, और इस तरह से बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को ट्रांस ऑक्सियाना के फरगाना नामक जगह पर हुआ, और इस तरह से बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश की स्थापना कब की, कैसे की, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले ये छोटी छोटी जानकारियां हम देख लेते हैं। तो इनकी माता पिता का नाम आप जान चुके हैं, इनकी पत्नी का नाम दोस्तों देख लीजिए, इनके पत्नी का नाम था दोस्तों माहम आर्गा। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर आपको आनगा लिखा दिखेगा और कहीं पर आर्गा लिखा दिखेगा, तो इसमें से आर्गा वैसे बेटर आंसर है, महामा आर्गा। ठीक है, और आनगा भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। तो बाबर के जो दोस्तों वो कुल 8 संतान थे, जिसमें जो 4 पुत्री थी दोस्तों। ठीक है, 4 पुत्री एवं 4 पुत्र था और 4 पुत्री था। ठीक है, पुत्री थी। तो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम 4 पुत्र का नाम तो आपको डिस्कस करेंगे, और 4 पुत्री में से जो है सबसे एक ही पुत्री फेमस हो पाई, गुलबदन बेगम। ठीक है, एक ही पुत्री के बारे में हमें याद रखना है, और इनके 4 पुत्र का नाम हुमायूं, अस्करी, हिंदाल एवं कामरान था, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है दोस्तों, तो इसके लिए आप 1 लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसके सारे के सारे नोट्स मेरे पास हैं, जो मैं हमारे टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है दोस्तों, बीपीएससी के लिए ये हमें टीचर ने पढ़ाया है। ठीक है, तो ये सारे मुझे लैपटॉप पे टाइप करने में दोस्तों काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए मैंने जो है सिर्फ फर्स्ट पेज टाइप किया। और दोस्तों हमें तो सिर्फ नॉलेज चाहिए, तो हमें लैपटॉप पे छपा हो या फिर पेन से लिखा हो, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं कि इसके पुत्र एवं पुत्री का नाम देख लेते हैं दोस्तों, हुमायूं, कामरान, अस्करी एवं हिंदाल। और मैंने जैसे कि बताया पुत्री का नाम गुलबदन बेगम, जो कि इसकी पुत्री थी। चारों का नाम में से सिर्फ हमें गुलबदन बेगम को याद रखना है, बाकी 3 डजन मैटर इसको जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, और वो ज़्यादा फेमस भी नहीं हुई इसलिए। तो यहाँ पर जो है वे जिस वक्त में बाबर जिस वक्त में जो शासन बने थे, उस वक्त में कृष्णदेव राय और नुसरत शाह जो है उस वक्त में वहाँ पर शासन किया करते थे आसपास के क्षेत्रों में, वो इसके समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो है बाबर ने 1504 में काबुल को जीता और 1507 में कांधार को जीता। ठीक है, और ये दोनों जीतने के बाद जो है दोस्तों उसको पादशाह की उपाधि मिली।
क्या क्या जीतने के बाद दोस्तों 1504 में काबुल और 1507 में कांधार जीतने के बाद उसको जो है बादशाह की उपाधि मिलती है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद बाबर ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया 1519 में और उसने भेरा के किले को जीता दोस्तों, ठीक है। और 1519 से 1526 तक में बाबर ने 5 बार आक्रमण किया। तो सबसे पहले जो दोस्तों पहला आक्रमण जो देखते हैं, देखिए दोस्तों पहला आक्रमण जो है वो बाबर ने जो है बाजौर के किला पर आक्रमण किया और भेरा को जीता, ठीक है। बाजौर पर आक्रमण किया और भेरा के किले को जीता, और जो कि उस वक्त में यूसुफ जातियों के अधीन था। भेरा के किले किसके अधीन थे दोस्तों? यूसुफ जाति के अधीन। तो उसको जो है बाबर जीत लेता है। तो हम इसको एक स्टोरी के द्वारा समझते हैं दोस्तों कि बाबर जो है एक बालक था, लेकिन 12 वर्ष की आयु में इसके पिता की डेथ हो जाती है दोस्तों, ठीक है। 12 वर्ष की आयु में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और तब जाकर के 1484 में इनका जन्म हुआ था। 1493 में दोस्तों 12 वर्ष की आयु में दोस्तों ये जो है यहाँ फरगाना नामक एक छोटे से शहर का जो है शासक बनता है। लेकिन क्या होता है ना कि वहाँ पर जो उनके जो चाचा सब रहते हैं ना, चाचा, आप जैसे कि मान लीजिए कि कोई मर गया तो उसके चाचा सब बड़े हैं, उसका बेटा छोटा है, तो चाचा चाहेंगे कि मुझे गद्दी पर बिठाया जाए। लेकिन बाबर जो था छोटा था, फिर भी उसको गद्दी मिला, क्योंकि वैसा मतलब कि ऐसा रूल ही था पहले कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो कि सुपर 30 ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। सुपर 30 मूवी आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों उज़्बेक शासक सब जो थे और उसके चाचा सब जो थे वे उसे काफ़ी परेशान किया करते थे दोस्तों, ठीक है। काफ़ी परेशान किया करते थे, काफ़ी सोचते थे कि कैसे इसको मतलब कि गद्दी पर से हटाया जाए। तो वो जो है काफ़ी परेशान हो चुका था। तो उसने जो थोड़ा बहुत इंडिया के बारे में सुना कि इंडिया काफ़ी रिच है, काफ़ी पॉपुलर है, तो इस तरह से वो इंडिया आने का प्लान बनाने लगा। लेकिन क्या हुआ कि इंडिया की, अब हम इंडिया में चले आते हैं, तो इंडिया में क्या हो रहा था दोस्तों कि सिकंदर लोधी 1517 में मर गया ना, तो उसके बाद जो है इब्राहिम लोधी जो है गद्दी पर आसीन था, ठीक है। 1517 में सिकंदर लोधी मरा, उसके बाद इब्राहिम लोधी गद्दी पर आसीन था। तब जाकर के क्या हुआ दोस्तों कि वहाँ जो आसीन था इब्राहिम लोधी, तो हर राजा का कोई ना कोई दुश्मन वगैरह होता था, उसका अपना चाचा सब जो था, जो बताता हूँ दोस्तों जैसे कि हाँ, तो यहाँ पर मैंने दोस्तों जो है इसको जो है लिखा है कि बाबर का जो भारत पर आक्रमण करने के लिए उसको निमंत्रण दिया गया, वो इसलिए क्योंकि इब्राहिम लोधी के चाचा जो थे दोस्तों, इब्राहिम लोधी के चाचा जो दिल्ली पर अभी शासन कर रहा है, आलम खान था उसका चाचा, ठीक है। और पंजाब का सूबेदार कौन था? दौलत खान। तो दोस्तों इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान, पंजाब का सूबेदार दौलत खान और राणा सांगा, ये तीनों मिलकर के बाबर को बोलता है कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर इब्राहिम लोधी को हराइए और उसके बाद जो है यहाँ से शासन करके जाइए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से बाबर को जो है युद्ध का निमंत्रण दिया गया, ठीक। तो यहाँ पर जो निमंत्रण मिला, और वो निमंत्रण इसलिए दिया गया क्योंकि वो जो इससे पहले जो यहाँ पर जो पहली बार जो दोस्तों पहली बार जब उसने जो है काबुल को जीता था, जो भेरा के किले को जीता था और काबुल लौट गया था, ठीक है दोस्तों। तो काबुल जो लौट गया था तो इसमें क्या हुआ था कि उन लोगों को लगा जो इब्राहिम लोधी को वो मार देगा और वापस चला जाएगा भारत, इसलिए उन्होंने निमंत्रण दिया। तो दोस्तों यही हुआ कि यहाँ पर जो है उसको निमंत्रण दिया गया, ठीक है। और ये बात उसने बाबरनामा में लिखी है, अपने बाबरनामा में लिखता है कि मुझे राणा सांगा और इन लोगों ने मिलकर के भारत आने का निमंत्रण दिया कि आप आइए यहाँ पर और युद्ध कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये बाबर के कुछ युद्ध हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बाबर ने सबसे पहला आक्रमण मैंने बताया आपको कि कब किया था, 1519 में किया, ठीक है। 1519 में किया, भेरा के किले को जीत लिया और तब जाकर के दोस्तों जो है ये वापस चला गया, अपना प्रतिनिधि छोड़ गया, लेकिन दौलत खान जो था उसके जाने के बाद जो है पुनः उस पर शासन कर लिया। तो इसी तरह से उसने भारत में दोबारा बुलाया। हालांकि जब बाबर दोबारा आता है इंडिया में तो फिर से भेरा के किले को जीत लेता है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि मुगल दरबार का जो राजकीय भाषा था वो था फारसी, ठीक है। और बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है बाबरनामा या तुजुके बाबरी उसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, बाबरनामा या तुजुके बाबरी। और यह जो है वह तुर्की भाषा में लिखा गया, ठीक। और इसका जो सर्वप्रथम जो अनुवाद है वो फारसी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। फारसी अनुवाद किसने किया था दोस्तों? अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था फारसी अनुवाद। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद था वो हेनरी बेवरेज ने किया था, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक कविता लिखने की भी शैली विकसित की गई थी जिसे मुंबई यान के नाम से जाना जाता है। कविता लिखने की एक शैली विकसित की गई थी। और यहाँ पर जो है बाबर ने हेरात नाम का एक शहर था जिसे बुद्धिजीवियों का शहर कहा है। ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं कि हेरात को मतलब कि किसको बाबर ने बुद्धिजीवियों का शहर कहा, तो हेरात, ठीक। और उसके बाद मुगल वंश ने भारत पर कुल कितना वर्ष शासन किया, तो 331 वर्षों तक मुगलों ने भारत पर शासन किया। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं दोस्तों कि जब उसको जो निमंत्रण मिला बाबर को, तो वह सबसे पहले 12,000 सैनिकों के साथ, ठीक है, 12,000 सैनिकों के साथ जो है यहाँ इंडिया में एंट्री मारता है सिंधु नदी पार करके। तो उसके बाद जो है वह इब्राहिम लोधी से युद्ध करने का प्लान बनाता है। अब पानीपत जो है, पानीपत का जो इब्राहिम लोधी के साथ जो युद्ध हुआ वो पानीपत प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है।
तो यहाँ पर हम पानीपत के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पानीपत में कुल तीन भाग्य निर्णायक लड़ाइयाँ हुई। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन लड़ाई हुआ, जिसमें से जो है दोस्तों वह प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुआ दोस्तों। ठीक है, ये PDF आपको मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा। मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और मैं इस सारा PDF आपको दे दूंगा, तो आप आराम से डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ शॉर्टकट में बता दूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बता दूँ 21 अप्रैल 1526 को जो है बाबर आता है और इब्राहिम लोदी से युद्ध करता है, लेकिन 12,000 फौज की सेना के साथ वो युद्ध करता है इब्राहिम लोदी से, और इब्राहिम लोदी युद्ध में हार जाता है और बाबर जीत जाता है। उसका जो है दोस्तों मेन कारण मैं बता देता हूँ दोस्तों, बाबर ने युद्ध क्यों जीता, यहाँ पर मैंने लिखा है दोस्तों, बाबर ने युद्ध को इसलिए जीता क्योंकि उसने उज्बैकों से तुगलुमा युद्ध की प्रणाली सीखी थी। भले ही हमारे पास थोड़ा सा ही सैनिक क्यों ना हो, लेकिन अगर हम युद्ध की अच्छी प्रणाली को जानते हैं तो हम युद्ध को डेफिनेटली जीतेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसने ईरानियों से बंदूक का प्रयोग सीखा था, तो बंदूक चलाना भी आता था दोस्तों। ठीक है, और सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल जो है दोस्तों वो बाबर ने किया था। ठीक है दोस्तों, बारूद का इस्तेमाल जो है बाबर ने किया, तोपों का इस्तेमाल भी बाबर ने ही किया। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए उसने दो कुशल तोपची भी रखा था, एक अली रखा था, ठीक है दोस्तों, अली, और एक था दोस्तों मुस्तफ़ा। ठीक है दोस्तों, यानी कि बाबर के दो कुशल तोपची का नाम क्या है दोस्तों, अली एवं मुस्तफ़ा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि दो तोपची जो उस्मानिया थे, ये जो अली एवं मुस्तफ़ा थे तोपची, वे थे उस्मानिया, तो इसके वजह से है जो दोस्तों बाबर जो है इस युद्ध को जीत जाता है। ठीक है, बाबर के जीतने का मुख्य कारण मैंने बता दिया दोस्तों, और ये PDF आप पढ़ करके और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं इसका। ये देखिए, इसका जो है पूरा ये डिटेल्स है। ठीक है, और इब्राहिम लोदी के हारने का वजह यही रहा कि एकता का अभाव था और कुशल सेनापतित्व था। ठीक है, अफगान सरदार में दुष्टता। अब क्या हुआ कि बाबर ने जब इस युद्ध को जीता, अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट ये आता है कि बाबर ने जब इस युद्ध को जीता तो वह दिल्ली और आगरा पर जो है अपना स्थापत्य, मतलब कि वहाँ पर अपना स्थापना ही कर लिया मुगल वंश का। ठीक है, जैसे कि 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत के युद्ध में वह युद्ध जीतता है, तो उसने जो है वहाँ मुगल वंश की नींव डाल दी और वो वहाँ से वापस नहीं गया, और ये पड़ गया भारी। जो इब्राहिम लोदी के चाचा सब जो और राणा सांगा सब ने जो इनको आमंत्रण दिया था, सोचा था कि मारपीट करेगा, लूटेगा, जाएगा, लेकिन क्या हुआ, ये उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ गया। और इस युद्ध को जो जीता तो बाबर इतना खुश हुआ कि उसने जितने भी सैनिक ने उस युद्ध में जो हिस्सा लिया था उस सबको चांदी का सिक्का दिया, और इसके लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई, कलंदर। ठीक है दोस्तों, कलंदर की उपाधि बाबर को कब मिली, पानीपत युद्ध के बाद चांदी के सिक्के देने के वजह से। ठीक है, तो इस तरह से बाबर रह गया। अब बाबर रह गया तो ये पड़ गया पंगा। अब राणा सांगा जो था, क्योंकि इब्राहिम लोदी का तो खेल खत्म हो चुका है, अब राणा सांगा जो था जिन्होंने युद्ध में उनका साथ नहीं दिया, बाबर का साथ नहीं दिया, अब जैसे कि निमंत्रण जो किया था तो उन्होंने निमंत्रण पत्र में ये भी लिखा था कि हम आपको इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध में साथ देंगे, लेकिन राणा सांगा ने साथ नहीं दिया, इसलिए राणा सांगा के साथ जो है इसका युद्ध होता है बाबर का। और बाबर का युद्ध जो होता है दोस्तों, तो सत्ता प्राप्ति के लोभ से, यानी कि जो मेदिनी राय, जो अदर जो शासक सब थे, उन्होंने सोचा कि यार बाबर तो अब यहाँ पर रह गया है, इसीलिए जो है आलम खान जो बाबर का इब्राहिम लोदी का चाचा था, मेदिनी राय, ये सब जो है राणा सांगा का साथ देने लगा। ठीक है दोस्तों, कि बाबर को कैसे भी करके हराओ, तो बाबर ने जो है इसके साथ राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध किया। कब किया दोस्तों, 16 मार्च 1527 को, 16 मार्च 1527 को बाबर खानवा का युद्ध करता है। ठीक है, और वो इसके साथ किया, राणा सांगा के साथ। ठीक है, तो राणा सांगा के साथ ऑलरेडी बहुत सारा सेना था। ठीक है, ऑलरेडी राणा सांगा के पास बहुत सारा सेना था, इसीलिए जो है बाबर का जो है बहुत कम सेना था, तो बाबर के सेना में पराजय की निराशा छाने लगी दोस्तों। ठीक है, बाबर का जो सेना सब था वो सोचने लगा कि मैं युद्ध को नहीं जीत सकता। ठीक है, तो बाबर जो था दोस्तों, बाबर ऐसे अपने सेना को विवश होते हुए नहीं देख सकता था, तो बाबर ने क्या किया, जिहाद का नारा दिया और बोला कि सच्चा मुसलमान हो तो गैर मुस्लिमों को ख़त्म करो, जैसे कि राजपूत सब जो था राणा सांगा सबको, उस सबको मारो काटो, ये सब करने लगा। और उसके बाद जो है दोस्तों, उसने सैनिकों पर लगने वाले तमगा कर को जो कुछ कुछ फैसिलिटी देना चाहा, ताकि सैनिक जो है अपना युद्ध में अपना मन लगा सके, तो उसने तमगा कर को ख़त्म किया और राज्य में शराब के खरीद बिक्री पर पाबंदी लगा दिया, यानी कि दारू शराब बैन कर दिया। अब ये बैन इसलिए किया ताकि उसके सैनिक जो है पी पा करके लुढ़क ना जाए और युद्ध में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बाबर बहुत ही सावधानी से कुशल नेतृत्व कर रहा था और आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में एक उपयुक्त जगह देखता है और जो है दोस्तों राणा सांगा से युद्ध के लिए निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप डिटेल्स में ध्यान दीजिएगा कि बाबर के पास जो है दोस्तों वो मात्र 10,000-12,000 सेना थी, उससे ज़्यादा तो थी नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो राणा सांगा था उसके पास 2,00,000 से भी अधिक सैनिक थे और इसमें तो 10,000 खाली घुड़सवारे था। अब सोच लीजिए कि 10,000 सिर्फ घुड़सवार था और बाबर ने इतने सारे, मतलब कि उसके पास सेना थे
राणा संघ के पास फिर भी जो है ये युद्ध बाबर ही जीतता है। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर बहुत सारा अनकाउंटेबल जो है राजपूतों का सर कलम करके और उसका एक जो है आकृति तैयार कर देता है एकदम जो है इकट्ठा कर करके, और इस चीज़ के लिए उसे जो है गाजी का उपाधि मिला। ठीक है, गाजी का उपाधि उसको कब मिला, तो गाजी का उपाधि उसको खानवा के युद्ध के बाद मिला। राजपूतों के सर को काट करके उसने जो है पिरामिड तैयार कर दिया, इस तरह से कुछ तैयार कर दिया, इसी वजह से उसको मिला था। नेक्स्ट युद्ध चंदेरी का युद्ध जो है होता है दोस्तों। चंदेरी का युद्ध क्यों हुआ मैं बताता हूँ दोस्तों, कि ये जो है जब राणा संगा से युद्ध हो रहा था तो मेदिनी राय जो था, मेदिनी राय इसने बाबर का मतलब कि राणा संगा का साथ दिया था बाबर के विरुद्ध युद्ध में, तो देखा कि मेदिनी राय ने उनका साथ दिया तो बोला रुक बेटा तेरे से भी बदला लेना है, तो इस तरह से जो है बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया, चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय से किया। और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उठता है कि मेदिनी राय से जो जब युद्ध किया दोस्तों, तो इसमें शेरखान शेरशाह सूरी ने तो सपोर्ट किया लेकिन मेदिनी राय को बाबर ने आसानी से हरा दिया, इतना बराबर युद्ध जीत लिया। अब मेदिनी राय से जो उसने युद्ध किया तो यहाँ पर बहुत ही रोमांटिक चीज हुआ, उसमें क्या हुआ कि मेदिनी राय के पास दो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो है बेटी थी। ठीक है, दो बहुत ही ब्यूटीफुल इसकी बेटी थी, बाबर उस दोनों को उठा करके ले गया और अपने दो बेटे एक हुमायूं को दे दिया और एक कामरान को दे दिया। और दोस्तों हुमायूं और कामरान या फिर हिंदाल एवं कामरान को दे दिया दोस्तों बाबर ने, और मेदिनी राय के दोनों बेटी को उठा करके ले आया। अगला दोस्तों जो है, जब देखा कि बाबर ने देखा कि अब जो है हमारे पास अफगान शासक, यानी कि उन्होंने राजपूत को पहले खलास किया अपने रास्ता से, पहले इब्राहिम लोदी को हराया फिर राजपूत को हराया, तो इस तरह से वो अपना जो है शासन मजबूत करना चाहता था कि कैसे भी करके मेरा जो है शासन मजबूत हो। तो इस तरह से लास्ट में जो दोस्तों देखा कि अब जो है अफगान जो है ये लास्ट रह गया है, इसको भी साफ कर दूं तो मेरा जो है शासन। इसको बाबर ने घगर का युद्ध किया अफगानों के विरुद्ध और इसमें करारी हार का सामना करना पड़ा अफगानों को, और बाबर पुनः ये युद्ध जीत जाता है। तो इस तरह से बाबर ने ये चार युद्ध किया और ये अंतिम युद्ध था। दोस्तों बाबर अपने पूरे जो है समय काल में कितना कितना कहाँ कहाँ अपना क्षेत्र को विकास कर पाया, तो दोस्तों आप यहाँ मैप के थ्रू देख सकते हैं। और ये बीपीएससी यूपीएससी में ऐसे ही आंसर राइटिंग किया जाता है दोस्तों, कि क्षेत्र का फैलाव कहाँ कहाँ तक था, हिमालय में था, उत्तर में हिमालय तक था, पश्चिम में सिंधु तक था, ठीक है, ग्वालियर दक्षिण में जो है दोस्तों ग्वालियर तक था, और पूरब में बंगाल तक था। ठीक है दोस्तों, और एक आत्मकथा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, ठीक है, बाबरनामा, और बाबरनामा जो है तुर्की भाषा में लिखा गया। ठीक है दोस्तों, तुर्की भाषा में लिखा गया, इसे ही बाबरनामा तुजुके बाबरी कहा जाता है। इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया, और इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेवरिज के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो बाबरनामा का जो है एक शॉर्ट समरी देख लीजिए कि बाबरनामा अपने बाबरनामा में क्या लिखा गया। तो बाबर लिखता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यही विशेषता है कि यह एक विशाल देश है, ठीक है, और इसमें सोने चांदी की अधिकता है, और यहाँ वर्षा के दिनों में जलवायु अच्छी रहती है। तो दोस्तों ये रहा बाबर के ऊपर फुल्ली कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले मुगल के अगले जो है हुमायूं के टॉपिक पे। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।